ये लोग पकड़ो अपना एग्रीमेंट, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है पार्टनरशिप में, ठीक है? क्या हो गया भाई, क्यों पार्टनरशिप तोड़ रहा है? मेरे को तुमसे अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल गया है, ठीक है, जो XYZ MLM कंपनी में काम करता है। अच्छा, तुम्हारी तरह ये यूट्यूब पे वीडियोस बना के टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये XYZ MLM कंपनी करती क्या है? मेरी कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, जो काले को भी गोरा कर देते हैं, पिंपल्स पूरे फेस से गायब कर देते हैं, और हमारी कंपनी के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है प्रोडक्ट्स के। अच्छा, ऐसा क्या? और मेरी कंपनी ना 12 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, और हमारी कंपनी के 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें तेरा बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाएगा तू इसमें? अरे यार, तुम यूट्यूबर्स भी ना, कुछ आता जाता है नहीं, बस एक कैमरा लेके कहीं भी शूट करने लगोगे। देखो, अब मैं इस कंपनी का एक मेंबर हूँ, तो ये कंपनी मुझे 40% ऑफ में अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी, ठीक है, और उसमें फिर मैं जो बेचूंगा उससे जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, और मैं अपने अंडर में और भी लोगों को ले सकता हूँ, जिससे कि जब वो मेरे से माल खरीद के बेचेंगे तो मुझे ही प्रॉफिट होगा, और फिर जब वो लोग अपने अंडर में और पीपल्स को ऐड करेंगे तो उससे अल्टीमेटली मेरा ही प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, लास्ट डे एग्रीमेंट कैंसिल करता हूँ। वैसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है अभी? अरे यार, वो मेरे को सेमिनार में जाना है, बल्कि काम कर, तू भी साथ चल, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पैसे तो कमा लेगा ना, थोड़े बहुत 10-15 हजार रुपए डालेगा, थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा, मम्मी पापा भी खुश होंगे। हमको सिखा रहा है क्या कर रहा है यूट्यूब की जिंदगी में तू? हाँ यार, सही कह रहा है तू, वैसे थोड़ा सा कॉलेज का काम बचा है, वो कर लूं, फिर उसके बाद मैं भी कुछ देखता हूँ। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ जरूर सुना होगा, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बट ये सब आया है पिरामिड स्कीम से। अब पिरामिड स्कीम क्या है? वो तो इंडिया में इलीगल है। पिरामिड स्कीम में सर्विसेज सेल करी जाती हैं, बट MLM में एक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अगर आपको नॉर्मल कंपनी और MLM कंपनी में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो MLM कंपनी के प्रोडक्ट्स बड़े ही इनोवेटिव, बड़े ही अतरंगी प्रोडक्ट्स होंगे इनके पास। अगर कोई मेडिकल कंपनी है तो इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, इनके पास हर एक लाइलाज बीमारी की दवाई होगी, कैंसर की भी दवाई इन्होंने ही इन्वेंट करी होगी भाई साहब। और अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो ये काले को गोरा बना देगा, इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, एंड साथ ही साथ इनकी कंपनी 60-70 प्रोडक्ट बना रही होगी जो कि अपने आप में मार्केट में बेस्ट ऑफ ऑल होंगे। अब आप जरा एक बात सोचिए कि कोई जो दूसरी कंपनी है, जो कोई नॉर्मल कंपनी है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जस्ट लाइक हिमालया या फेयर एंड लवली हो गई, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, अपना करोड़ों रुपए रिसर्च का वो उस एक प्रोडक्ट में डाल रही है, उसका प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है, एक MLM कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, बल्कि MLM कंपनी को अपना पैसा 50-60 प्रोडक्ट में डालना है, उस कंपनी को बस एक ही प्रोडक्ट में डालना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या है भाई, MLM कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट क्यों नहीं हो सकता? चलो भाई, मान लिया कि बेस्ट हो भी गया, तो ये कंपनीज इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर रही है, इनके प्रोडक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं सेल हो रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड 12th फेल लोगों को क्यों अपनी कंपनी का डीलर बना रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि कस्टमर बना रहे हैं? हाँ सही सुना आपने, MLM कंपनी उनको अपना डीलर नहीं बना रही है, उनको अपना कस्टमर बना रही है। कभी आपने सोचा है कि इन कंपनीज का कस्टमर कौन है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि इन कंपनीज का तो कोई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही सुना आपने, कोई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इन कंपनीज के जो डीलर होते हैं वही इनके कस्टमर होते हैं। जब आप इनकी कंपनी ज्वाइन करने जाते हो तो ये आपसे एक स्टार्टर पैकेज खरीदवाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक 15-20 हजार का स्टार्टर पैकेज आपको बेचती हैं, ये बोलकर कि आप अगर ये खरीद लोगे तो आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओगे। एंड जहां आपने खरीदा वहीं आप बेवकूफ बन गए। एंड मजे की बात पता है क्या है, जो आपको बंदा वो बेच रहा है ना, उसे खुद भी कई बार ये नहीं पता होता है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो खुद भी MLM में फंसा हुआ है। एंड इसीलिए एक MLM कंपनी अनएम्प्लॉयड और फेल्ड स्टूडेंट्स जैसे लोगों को ही अपना डीलर बनाती है, ताकि उनका कुछ जो बचा कुचा पैसा है वो कंपनी को मिले एंड कंपनी का प्रॉफिट हो, एंड उनको भी ये लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं।
अब अगर एक बार आपने ना इनकी कंपनी ज्वाइन कर ली तो क्या होगा कि टाइम पर टाइम ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वर्कशॉप कंडक्ट कराते रहेंगे, जिसमें ये आपका जमकर ब्रेन वॉश करेंगे। इसमें क्या होगा कि अब अगर आपसे कोई बोलेगा भी ना कि एक MLM कंपनी है, फ्रॉड है, इसको छोड़ दो, तो आप उसकी जरा भी नहीं सुनने वाले। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो MLM करने वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स से अक्सर दूर होते चले जाते हैं। अब ये जो वर्कशॉप कंडक्ट होती है, इसमें जो आदमी होता है वो अक्सर आप देखोगे कि सूट बूट में होंगे, जितने भी लोग होंगे सूट वगैरह में आए होंगे, इनका कोई तो एक स्पेशल कीवर्ड होगा जिससे ये बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को एक दूसरे को सल्यूट मारते होंगे, हाय हेलो करते होंगे, ऐसा सब कुछ करते होंगे। एंड ये अक्सर अपनी या फिर तीन चार लोगों की ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि हाँ देखो इनके पास स्कूटर थी, देन इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, एंड आज देखो इनके पास BMW, Mercedes, अपना घर है, फॉरेन हॉलीडेज पे जा रहे हैं। एंड एक मजे की बात पता है कि ये जो सामने बंदा खड़ा होकर आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है ना, हो सकता है कि इसने खुद ने कभी MLM ना किया हो, बस इस MLM कंपनी ने इसको हायर कर रखा है कि आओ हमारे यहाँ स्पीच दो, लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो हमारे इस जाल में बंधे रहें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तो क्या सारी MLM कंपनीज फ्रॉड हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो MLM की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को शॉप्स पर पहुंचा रही है ताकि वो कंज्यूमर उसे खरीद सके। बस वो MLM का यूज करती हैं शॉप्स तक पहुंचने के लिए, एंड उनके प्रोडक्ट्स भी जेन्युइनली अच्छे हैं, तो ऐसे MLM कंपनीज पर हम भरोसा कर भी सकते हैं। मेरे भाई दोबारा से एग्रीमेंट साइन कर ले। अरे सिक्योरिटी कहाँ है, इसको बाहर निकालो यहाँ से। सो अभी ये वीडियो मैं शूट कर ही रहा था MLM के टॉपिक के ऊपर, एंड जस्ट मैंने देखा कि मेरे ना कॉलेज में एक ग्रुप सर्कुलेट हुआ था, ये वाला जवाब ऑनलाइन इन्फो करके, इसके पांच में फिफ्थ बैच में, और मुझे पता नहीं कितने बैच बने हुए हैं। अब इस ग्रुप में क्या हुआ कि इन्होंने इतना सिस्टमैटिकली इसको कॉलेज में फैलाया कि लोगों को लगा कि ये हमारे सीनियर्स से या हमारे कॉलेज की किसी कमेटी की तरफ से हमको मिला है। बट अभी जब इनका मेरे एक फ्रेंड के पास कॉल आया तो मेरे को पता चला कि भाई ये तो MLM कर रहे हैं। अब ये ग्रुप डिससर्कुलेट हुआ है फॉरएवर कंपनी की तरफ से, जो कि एक MLM कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये लोग एक लिंक प्रोवाइड कर रहे थे, उस लिंक में इन्होंने हमारा नाम डिटेल्स हमारी ली, उसके बाद जितने लोगों ने ये लिंक का फॉर्म भरा था उनको उनकी तरफ से कॉल आई। अब उस कॉल में उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उन्होंने ये पूछा आपको पैसे कमाने हैं ऑनलाइन, तो सामने वाला पर्सन जस्ट बोलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल कमाना है, हमको क्यों नहीं कमाना है। अब उसमें क्या हुआ कि हर किसी ने बोला हाँ मेरे को कमाना है, तो उसके बाद जो वो बंदा था जो कॉल कर रहा था उसने एक YouTube वीडियो भेजी, उसका भी मैं लिंक शायद दे दूंगा या यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। अब इस वीडियो को अगर आप जाकर देखोगे तो इस वीडियो में भी क्या है कि इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसने बस तीन चार लोगों का रिव्यू दिखाया है कि हाँ क्या कहते हैं मेरे को इससे प्रॉफिट हुआ, मेरे को इससे प्रॉफिट हुआ। एंड वो बंदा जो वीडियो बना रहा है ना वो भी कुछ बता नहीं रहा है इसमें करना क्या है। अब उसने एंड में क्या बोला कि ये 100 रुपए का हमारा 3 दिन का कोर्स है, इसको खरीद लो। अब जैसे ही आप वो 100 रुपए का कोर्स खरीदोगे आप पहुंचोगे उनके वेबिनार में, एंड वो वेबिनार में आपका इतना स्ट्रांगली ब्रेन वॉश करेंगे कि जो भी उनका स्टार्टर पैकेज होगा या जो भी कुछ होगा जिससे आप उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, आप उस कंपनी के साथ डेफिनेटली जुड़ जाओगे। 90% लोग जुड़ जाते हैं एंड वहीं आप बेवकूफ बन जाओगे। अब इसके बाद एक वही क्वेश्चन फिर से आता है, क्या सारी MLM कंपनीज फ्रॉड होती हैं? तो मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि नहीं, सारी MLM कंपनीज फ्रॉड नहीं होती हैं। यहाँ तक कि पुष्कर राज ठाकुर भी संदीप माहेश्वरी की वीडियो में भी जब आए थे तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि अगर आप MLM में जो वहां पर पेमेंट कर रहे हो वो आप ये सोचकर कर रहे हो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप डेफिनेटली वहां पर जाकर वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचकर जा रहे हो कि हाँ MLM में मैं पैसे कमाऊंगा या ये या वो, तो भूल जाओ भाई, जल्दी पैसे किसी को नहीं मिलते, इस तरीके की चीजों से कोई अमीर नहीं बनता है। एंड मैं एक चीज और बताऊंगा कि हाँ इसमें पैसे लोग कमा रहे हैं, इवन मेरे जानने में मेरी एक फ्रेंड है उसकी मदर है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है एक MLM कंपनी से ही। लेकिन वो क्यों कमा रही है? वो इसलिए कमा रही है क्योंकि वो ऊपर के 10-15-20% लोगों में है, एंड MLM कंपनी में पैसे वही लोग कमाते हैं जो टॉप के 10-15-20% में है। लेकिन मैं उस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी MLM कंपनी के साथ हो। जस्ट लाइक अभी मैंने बोला था कि टप्पर वेयर करके एक कंपनी है जो कि
बर्तन और टिफिन वगैरह बनाती है, जिसके सामान मेरे घर में भी यूज होते हैं, आपके घर में भी यूज हो रहे होंगे, जो कि एमएलएम की वजह से शॉप्स तक पहुंचती हैं। तो अगर आप ऐसी एमएलएम कंपनी के साथ हो तब तो ठीक है, लेकिन वो एमएलएम कंपनीज जो लोगों को बेवकूफ बना रही है अपने प्रोडक्ट के नाम पर, उसमें अगर आप हो तब तो वो बेकार है, एंड उसमें आप कोई पैसे भी नहीं कमा सकते अगर आप ऊपर के 10-20% में नहीं है तो। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग सो दैट यू कैन कीप ग्रोइंग।